उसका सारा गियर में 150, उसके एक ही गियर में 150। बहुत बढ़िया सा गिवअवे होगा। This is the only time in the whole world that R3 can beat a Ninja 1000. Ninja 1000, हाँ चले गए तुम? जी हाँ, आश्चर्यचकित हो गए होंगे आपके यामा सर्विस में कावासाकी 1000 का क्या काम? MCP वेल हेलो दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चावाटी मेले से मिले एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब लोग ठीक हो, मजे में हो, चंगे हो, और जहां से वीडियो देख रहे हो ताबड़ तोड़ देख रहे हो भाई साहब। यहां पे देखिए ताबड़ तोड़ स्कूटर चला के जा रहे हैं। सो गाइस, जो वीडियो में हम आपको ZX10R दिखाए थे ब्लैक कलर का एडिशन, उस दिन जो हम कावासाकी में गए थे उसका मकसद ये था कि दारिम भाई जो है, दारिम भाई का निंजा 1000 दानव का दानव उस दिन मिलने वाला था, बट वो मिला नहीं। लेकिन आज फाइनली मौका है, दस्तूर आलम हो चुका है, निंजा 1000 इज कमिंग बैक गाइस। और हमारे मित्र का आज खुशी का ठिकाना नहीं है, टाइगर और निंजा 1000 को एक साथ चलने का मौका भी मिलेगा। एको आई इज रियली एक्साइटेड टू मीट दानव आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लगभग 2 महीना हो चुका है। वालेकुम सलाम, मैं पहुंचा ये चाराली तक हाईवे का, दारिम भाई का कॉल आ गया, भाई साहब कहाँ हो, इतने लेट क्यों, काहे इतना लेट हो, फटाफट आ जाओ। तो मार रहे हैं टाइगर को लेकर ट्रैफिक फिल्टर करते हुए, 800 तेल डलवाए थे, शिलोंग अप डाउन किए, तेल गायब। कितना चला होगा, मैक्सिमम 250 किलोमीटर चल गया होगा। तो हम लोग सिटी के अंदर में भी घूमे थे, शिलोंग सिटी के अंदर में, फिर शिलोंग पीक की तरफ गए थे, तो 250 और 260 किलोमीटर चला होगा, और सिटी में लगभग 10-15 किलोमीटर, तो लो फ्यूल दिखा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया माइलेज। शूज देखिए, ये तो सही लग रहा है, और ये वाला शू देखिए गाइस, बाहर छोड़ दिए थे, गंदा हो गया। यही है डिफिकल्टी जिंदगी में। बाकी वहाँ पे गाइस इसका काम अभी चल रहा है, फटाफट होने वाला है, मैं भी आ रहा हूँ 8:30 बजे तक ये बाइक जाएगा। और अभी गाइस मैं फटाफट जाता हूँ, पहुँचता हूँ बखिष्ट चाराली, क्योंकि आज बेगम साहिबा हमें छोड़ के जा रही है माइक के, उनको फिर बस में चढ़ाना है, फिर आना है वापस यहाँ। अभी टाइम हो चुका है 6:08 और बस जो है 6:30 है बखिष्ट चाराली से, तो फटाफट हम पहुँचते है क्योंकि यहाँ से थोड़ा दूर है। क्या करने की कोशिश कर रहे हो भाई साहब, इतने छोटे और पतले गैप से अपना गाड़ी कैसे निकालोगे आप? ओ भैया जी, क्या कर रहे हो भाई, ट्रैफिक पुलिस हो क्या? भागो 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 भगाओ, लेट हो गए हम, भगाओ भगाओ। ओ भैया जी थोड़ा साइड, वी आर गेटिंग लेट। अभी तो लंबा चौरा रुकना पड़ेगा मेरे ख्याल से। सभी पहुंच चुके हैं बोगिस्टर और बस का इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ पे बाय बाय से जाना, मुझे याद करना, देखो ये सर मार रही है। बाय 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 बाय, चलो बाय बाय हो गया है। Few inches later. खतरनाक बिल बन रहा है यहाँ पर, गाड़ी निकल चुका है, अभी वॉशिंग में हो गया, और उधर में चिल फाइनली हो गया ना। थैंक्स अ लॉट टू मिन्मयदा एंड कोमंदा, थैंक्स अ लॉट टू कावासाकी इंडिया एज वेल, थैंक यू कावासाकी फॉर द मजा। तेल डलवाएगा ना, चलो चलो आगे चलो। This is the power of Triumph Tiger का हेडलाइट। कैसा लग रहा है? बहुत सही, आफ्टर 3 months बाइक मिला है, अंदर से शांति मिल रहा है। अभी कितने दिन तक स्लो चलाना पड़ेगा इसे? फर्स्ट 1000 किलोमीटर 4000 आरपीएम, नेक्स्ट 500 किलोमीटर 6000 आरपीएम। यूट्यूब का यही चैनल है, यही सर्च कीजिएगा यूट्यूब में मिल जाएगा। हाँ चालू है। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो। द नेक्स्ट डे और
और अभी जस्ट हम आए थे यामा के सर्विस सेंटर में क्योंकि हमारे बाइक में कुछ और पार्ट्स लेना बाकी था। कुछ दिन पहले आए थे क्लच केबल लेने के लिए और ब्रेक पैड लेने के लिए, वो तो मिल गया था। अभी सामने का ब्रेक पैड भी लेना है। सामने का थोड़ा कॉस्टली पड़ता है गाइस, पीछे का तो 800 रुपए में मिल जाता है, कोई टेंशन नहीं होता, लेकिन सामने का थोड़ा महंगा 3500 के करीब पड़ता है। लास्टिंग भी करता है, सामने का ब्रेक पैड लगभग 25,000 से 28,000 किलोमीटर तक चल जाता है। और गाइस हमारे बाइक का ही खाली काम नहीं, यहाँ पे कावासाकी निंजा 1000 का भी काम हुआ। जी हाँ, आश्चर्यचकित हो गए होंगे आपके, यामा सर्विस में कावासाकी 1000 का क्या काम। अभी फिलहाल है ना कूलेंट अवेलेबल नहीं है कावासाकी के शोरूम में, यहाँ से अभी फिलहाल कूलेंट परचेस कर लिया गया है। और ये वाले बाइक में कूलेंट लगता है, 1 नहीं 2 नहीं 3 लीटर कूलेंट लगता है। कब लिया? अभी भी लेके आया हूं। नया ब्रांड न्यू? कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो हमारे जीफन भाई के साथ बहुत दिन के बाद मुलाकात हो गया, कैसा चल रहा है? चल रहा है। पार्टी कहाँ पे होगा भाई? आप बोलिए। हाँ, जहाँ भी दे दो, हम लोग तो भुक्कर आदमी है भाई। फोर्स गुरखा जो कि लगभग 17 लाख का आसपास पड़ता है ना भाई। हाँ। कलर काफी अच्छा है, हम लोग अभी देखेंगे, वॉक अराउंड लेंगे गाड़ी का। आसमान की ऊंचाइयों में गुरखा के ऊपर टू मच फन करते हुए। अरे बाप रे बाप। देख भाई, मेरे को तो कुछ स्पेसिफिकेशन बारे में पता नहीं है। हाँ। तेरे को कुछ पता है तो बोल दे। इसमें सीसी है 2600 का, हॉर्स पावर थोड़ा कम हो गया, 91 हॉर्स पावर का ये अभी है। फ्रेम इसका 2.6 ईयर का है। किसी गरीब को अगर लेना है तो कितना पेट काटना पड़ेगा? दो किडनी। थार प्रीफर करेगा ये वाला प्रीफर करेगा? थार इज क्वाइट कंफर्टेबल, ये चलाने के बाद पता चलेगा। हाँ। आपने चलाया ना? चलाया। कैसा लगा? हमको थार के वो गुरखा अच्छा है, गुरखा अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल है, एक आदमी आराम से बैठ सकते हैं। तो गाइस ये रहा ड्राइवर सीट, काफी अच्छा लग रहा है। बाकी कंसोल की बात करें तो सिंपल सा कंसोल है, बीच में डिजिटल वाला कंसोल है। बाकी सीट देखिए, अच्छा इसमें पूरा अलग अलग कैप्टन सीट है ना, मतलब कंफर्टेबली बैठ सकता है बंदा। और यार डिकी का स्पेस भी काफी है, इसको तो खोल भी सकते हैं ना? खोल सकते हैं। कुछ लॉन्ग टूर वगैरह के लिए दो बंदे जा रहे हो, पीछे का सीट खोल लो, फिर आराम से आप जा सकते हो सामान वामान लेके। ऊपर में एक रैक भी लगता है, वो भी आप एक्स्ट्रा एक्सेसरीज में लगा सकते हैं। रैक का कितना प्राइस पड़ता है? 6,000-7,000 में रैक मिल जाएगा। मतलब इसके ऊपर में भी जैसे वो ट्रेवलर लोग लगाते हैं ना लगेज लेने के लिए, तो उस तरह का आप ऊपर में रैक लगाकर भी आप ट्रेवल कर सकते हो, बहुत बढ़िया। चलो जिंदगी में पहली बार गुरखा के अंदर एज ए पिलियन तो नहीं बोल सकते, क्या बोलना पड़ेगा? पैसेंजर ड्राइवर। को ड्राइवर क्या कर रहा है भाई? आता है ना गाड़ी चलना तेरे को? तू विंजर एक्सपर्ट है, चल तुम्हें तो भूल ही गया था। ये बीच वाला क्या कंसोल है? एलसीडी। अच्छा, प्रॉपर डिस्प्ले पे सब कुछ आ रहा है, बढ़िया है। एसी लगा दिया, सीट बेल्ट वगैरह पहन लिया है, पूरा कंफर्टेबली जा रहा है। लेकिन एक चीज है ना, यहाँ पे बैठ के ऐसा फील हो रहा है हम लोग किसी ट्रक में बैठे हुए हैं। काफी स्पेस है यार, पैर वैर फैला के आप बैठ सकते हो एकदम। कैप्टन साहब पूरा सीट को लीन वीन कर सकते हैं, सो के जा सकते हैं इधर। सो गाइस फाइनली आई एम राइडिंग महिंद्रा, सॉरी 200 रुपया काटो। चलो आगे बढ़ो। 3 नंबर लगा। 3 लगा? अच्छा बोलो पहले। अभी एक लगा। ऑटो ब्रेक हो रहा है। क्या हो गया भाई? गाड़ी का सेलेक्ट कर रहा हूँ। ब्रेक दबा रहे हो आप? वही। वैसे मैं ज्यादा ड्राइव तो नहीं करता हूँ, नॉर्मल ड्राइवर हूँ। लेकिन पहली चीज जो मैंने नोटिस किया, एक तो इसमें बैठ के बहुत ऊंचा लग रहा है, काफी कंफर्टेबल सीट वगैरह सब कुछ ठीक है, बट नीचे का जो पेडल वगैरह है ना उसमें थोड़ा डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है। ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। देखो जो बंदा लेगा ना ये गाड़ी चलाएगा, तो धीरे धीरे करके सब कुछ यूज हो जाएगा। पीछे में भाई बैठे उनका हाइट थोड़ा सा कम है, पहले हम लोग सोच रहे थे कि जो बंदा यहाँ पे बैठ के गाड़ी चलाएगा ना उसके लिए पेडल वगैरह थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा। बहुत अच्छा है, मतलब आराम से पैर वगैरह आराम से चला जाता है। सो गाइस गाड़ी चलाने का कार्यक्रम खत्म हो चुका है और इसका फाइनल वर्डिक्ट कुछ इस तरह की देख के जो फील हो रहा है ना, दिस इज अ कंप्लीट ऑफ रोड में चलने वाला गाड़ी है भाई। मैंने थार भी चलाया हमारा नैन भाई का, बहुत अच्छा लगता है हाईवे पर। कौन सा ज्यादा अच्छा, आपको ज्यादा अगर नॉलेज है इस बारे में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी चला करके अगर पूछोगे हाईवे पे, ये वाला ज्यादा दमदार लग रहा है कंपेयर टू थार। ये गाड़ी और एक रीजन के लिए ले सकते हो, गुवाहाटी में अगर फ्लड हुआ तो आराम से चल जाओ। 700 मिलीमीटर तक का मतलब आपका पानी घुसेगा ही। अच्छा, फ्लड में आपका आराम से ये निकल लेगा, मतलब 700 मिलीमीटर पानी में भी गाड़ी ये चल सकता है। डिफरेंशियल लॉक है इसमें। इसका सीसी है गाइस 2596 सीसी और मैक्सिमम पावर है 91 हॉर्स पावर और टॉर्क है 250 एनएम का, जो कि 1400 से 2400 आरपीएम में आपको मिल जाता है। फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो 63.5 लीटर का आपको यहाँ पे ईंधन द पेट्रोल डलवाने का मौका मिल जाता है। कभी डालिए और घूमिए, मजा आता है बहुत। तो गाइस यहाँ पे देखिए एक स्विच है, प्रेस बटन फॉर डिफरेंशियल लॉक फ्रंट, और यहाँ पे होगा रेयर वाला रेयर। तो ये दो चीज का काम क्या है भाई? सपोज आपका व्हीकल एक पत्थर के ऊपर, सपोज एक टायर आपका हवा
हवा में है, एक टायर आपका जमीन में है। टायर का पावर आपको सपोज फ्रंट का, एक टायर का पावर आप खींच के दूसरे वाला में डाल दे, तो मतलब इस वाला टायर का पावर ज्यादा हो जाए। अच्छा, सिंगल साइड का भी पावर खींच सकते हैं। हम बहुत बार अच्छा बोल रहे हैं, आमिर खान याद कर रहा होगा हमको। कैसे हम लोग सपोज ये जैसे फ्रंट का हो गया, तो अगर सपोज इस टायर से हम लोग को इस टायर पे लाना, तो वो कैसे मैनेज करेंगे? वो खुद ब खुद होता है, ऑटोमेटिक हवा में होता है, उसका पावर खींच के उसमें डाल देता है जो जमीन में। स्विच वगैरह मैं देख रहा था यहाँ पे, जैसे हैजर्ड वगैरह सब कुछ है, अपर डीपर सब कुछ है, एसी का पंखा वंखा सब कुछ है, चार्जिंग का यहाँ पर है, यहाँ पर भी कुछ है, यूएसबी वगैरह, यूएसबी का सब कुछ मिल जाता है। साथ ही साथ में यहाँ पे एक स्विच है, ये वाला स्विच आप यूज करते हो तो आपका एयरबैग जो है वो डिसएंगेज हो जाता है। तब आप जब ऑफ रोड करोगे, जोर से झटका भी लगेगा ना, तो एयरबैग निकलने का खतरा रहता है, वो आप यहाँ से मैन्युअली ऑन और ऑफ कर सकते हो। हाईवे पे मत करना हो, बाकी ऑफ रोड में कर लेना। बहुत भल लगी से वीडियो कर अच्छा बात ना ईमान नामी जो तो गाइस यहाँ पे कूलिन लेने का कार्यक्रम खत्म हो गया। अभी ये कूलिन लेके बाइक लेके कावासाकी में जाके देना है। ये जो गुरखा है बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नहीं एकरा लगा के बाइक बर्बाद नहीं करना है मेरे को। दिस इज द ओनली टाइम इन द होल वर्ल्ड दैट R3 कैन बीट अ निंजा 1000। यस, क्या हो गया भाई? पहुंच गए निंजा 1000। कहाँ चले गए तुम? नहीं सक रहे हो तुम R3 से? अभी आके पहुंचा तू? देख मैं तो कब पहुंच गया। कहा है दारिम भाई, कहा है? आज इसको छेड़ के मजा आ रहा है भाई। वैसे भी कुछ दिनों का ही बात है, उसके बाद तो ये हमको ठेंगा दिखा करके आगे चला जाएगा। हाँ उसके लिए रुकते है ना, रोजेगा नहीं तो। आगे आगे आगे, पहले गियर में 150 चढ़ता था, अभी 6 नंबर में 80 के ऊपर नहीं जा रहा। हाँ फर्स्ट गियर में 150 उठता है, इसका सारा गियर में 150, उसके एक ही गियर में 150। हाँ बाप रे बाप, ग्रीन सिग्नल जल गया, उसके बाद भी गाड़ी बाइक ये वो भाई साहब। तो दारिम भाई यहाँ पे लेके आए हम लोग को चाय पिलाने के लिए, सैंडविच चाय के साथ बर्गर। पार्टी देखे कैसा लग रहा है? पार्टी कौन दे रहा है? तू दे रहा है, ये देख सामान आ चुका है। सामान आ चुका है। हाँ। मैं तो यहाँ पे सिराजदा के नाम पे बिल फाड़ने वाला हूँ, फिर अच्छा, निकलने वाला हूँ। अच्छा हाँ जी, फोर्स गुरखा यानी कि जीफान भाई के गाड़ी से तो पार्टी मिला नहीं, बट इनके गाड़ी से अभी मिल रहा है। तो वहाँ से हम लोग गए थे दीपोर भी थोड़ा हैंग आउट करने के लिए, फिर बीच में फिर से कावासाकी गए थे, वहाँ पे थोड़ा सा एक माइनर कुछ दिखाना था, दिखा दिया। अभी बाइक फुल ऑन ओके हो चुका है, RPM लिमिट भी हट गया ना? हट गया इन द सेंस 10,000 तक कर दिया भाई, 10,000 RPM तक। या तो वीडियो के लेक्चर को जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन ड्रीम बिग, बी पैशनेट एंड ऑलवेज राइट सेफ, ऑलवेज राइट सेफ माय ब्रदर एंड डोंट ट्रबल योर मदर। बाकी मिलते हैं अगली बार ब्लॉग में फटाक से। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। जिंदगी से जुड़ना है तो इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिए। तन्हा दारी भुक्कर इमरान और सिराज खान, मेरा तो नॉर्मल नाम है। यार इसके यूट्यूब चैनल में अभी कितना चाहिए? 95, सिर्फ 95 सब्सक्राइबर चाहिए फॉर 3000। फटाफट कर दो, हमारे बाइकर इमरान YouTube/बाइकर इमरान सर्च मार के, ओनली 95 सब्सक्राइबर चाहिए, फटाफट कर दो। हमारा 200K में एक बहुत बढ़िया सा गिवअवे होगा और इसका 4K में गिवअवे होगा, एक साथ करेंगे अगर आप लोगों ने कर दिया। फटाफट कर दो गाइस, लाल बटन सब्सक्राइब मार दो, या फिर केरी भाई की तरह चप्पल फेंक के मारो, लेकिन क्लिक होना चाहिए। चाय फेंक के मारो, बस क्लिक होना। चाय बहुत प्यारा है, चाय मत फेंक। चलिए गाइस, बाय बाय।